हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी की जो कहानी है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाइस आज है 76th एनिवर्सरी ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी की जो बॉम्बार्डिंग हुई थी उसकी 76वीं वर्षगांठ है गाइस, जिसको जापान सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज हम पूरा जानेंगे कि क्या हिरोशिमा और नागासाकी में कब बम गिराया गया, क्या उसके रिपरकशंस हुए, क्यों गिराया गया, क्या एक कहानी थी, अलग अलग क्यों गिराया गया, क्या उनके बॉम्ब्स के नाम थे, ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और एक बार आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन। फटाफट से एक बार सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है जो आज आपके साथ में मैं साझा करूंगा। ये हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिस्ट्री का है चाहे नॉन हिस्ट्री का है, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि इसके जो परिणाम है वो आज भी जापान में देखे जा रहे हैं गाइस, ब्लैक क्राइम के रूप में। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज है 76th एनिवर्सरी हिरोशिमा और नागासाकी की जो बम्बार्डिंग हुई थी, ठीक है, जिसमें हिरोशिमा पे पहले होता है, नागासाकी पे जो बम्बार्डिंग होती है वो बाद में होती है। हिरोशिमा की हम बात करें तो 6 अगस्त को, यानी आज ही के दिन, आज से ठीक 76 ईयर पहले हिरोशिमा पे बम्बार्डिंग की गई थी, और 9 अगस्त को नागासाकी पे बम्बार्डिंग की गई थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, और सेशन की थीम है वो क्या होने वाली है। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे कि इस डे का सिग्निफिकेंस क्या है, जापान एंड ब्लैक रेन, कि जापान में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था इस हिरोशिमा और नागासाकी की बम्बार्डिंग से, ब्लैक रेन क्या होता है, क्योंकि आजकल ये काफ़ी करंट में भी चलता है गाइस, करंट इश्यूज भी हैं ब्लैक रेन का। तो आज मैं समझूंगा कि ब्लैक रेन और इसके एनवायरमेंट से क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एटम बम से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, जापान का रिएक्शन क्या था, ठीक है। एक दूसरी चीज, इसका कारण क्या था, मतलब बम गिराने का कारण क्या था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो गाइस आज के दिन का महत्व ये है, क्योंकि आज 76 एनिवर्सरी है हिरोशिमा और नागासाकी की। क्लियर एवरीवन? अब 6 अगस्त को हुआ क्या था गाइस, इस दिन का महत्व क्या है। 6 अगस्त को क्या हुआ था, 6 अगस्त 1945, ठीक है, 6 अगस्त 1945 के दिन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान की हिरोशिमा सिटी पर क्या गिराया था, एक बम गिराया था गाइस। ठीक 3 दिन बाद, 3 डेज लेटर, 9 अगस्त को एक दूसरा बम गिराया जाता है नागासाकी, जो कि जापान की सिटी थी गाइस, उसमें हजारों लोग गाइस मर गए थे, और आज भी वहां पे इसके अवशेष हैं वो देखे जा सकते हैं। आज भी वहां की पॉपुलेशन है इस जो त्रासदी हुई थी उसका विक्टिम आज भी आपको मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो देखिए कि 76 एनिवर्सरी है, थर्सडे के दिन, यानी आज भी आपका गाइस, आज फ्राइडे है वैसे तो, लेकिन ये जो थर्सडे के दिन है ये गिराया गया था अगस्त 6 को। तो प्लीज इसको सब लोग याद रखना है, भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। उसके बाद में गाइज आपको बता दूं कि 6 अगस्त को और 9 अगस्त को 2 बम आपके गिराए गए थे। उन बम के नाम क्या थे ये आपसे पूछा जाता है ना, उस बम के नाम क्या थे। जो 6 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को गिराया गया था गाइज उसका नाम था फैट बॉय। ये है लिटिल बॉय एंड फैट बॉय। ये आपका लिटिल बॉय है जो कि हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त को, और ये आपका फैट बॉय है जो कि नागासाकी पे गिराया गया था 9 अगस्त। ऐसा बताया जाता है गाइस कि जब ये फैट बॉय और लिटिल बॉय गिराए गए थे, जब ये लिटिल बॉय गिराया गया था तो 43 सेकंड तक ऐसे विजुअल्स देखे जा सकते हैं कि लोग हवा में रहे थे, इतना भारी भरकम डिस्ट्रक्शन हुआ था, और करीबन करीबन 80,000 लोग इस बॉम्ब से मारे गए थे। 43 सेकंड तक लोग उड़ रहे थे हवा में लिटरली, और 80,000 लोग इससे मारे गए थे गाइस। उसके बाद में ये एक क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है कि बम बनाया किसने गाइस। तो ये जो बम था ये ब्रिटिश एंड अमेरिकन जो लैब्स थी वहां पे इसको बनाया गया था बेसिकली, है ना, और इस प्रोजेक्ट का नाम था मान हटन, मान हटन
इसका क्या था, इस प्रोजेक्ट का नाम था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट था, तो मान हटन प्रोजेक्ट है वो, इस जिसके तहत ये जो बोम है आपके सामने, लिटिल बॉय एंड फैट बॉय, इसको डेवलप किया गया था गाइस। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें ब्लैक रेन का। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये काले काले बादल आपको दिख रहे हैं, ये डिस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, इतना मास डिस्ट्रक्शन वहां पे हुआ था। अब जो ब्लैक रेन है गाइस, ये इसकी शक्ल कैसी होती है, मशरूम जैसी दिख रहा है आपको, देखिए मशरूम जैसा दिख रहा है गाइस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी पूरे जो पूरा क्लाउड है गाइस वो राख और डेब्रीज से इनसे भर जाता है, और जैसे बारिश होती है तो बारिश में ड्रोपलेट आएगी, वो भी आपकी ब्लैक आएगी, ब्लैक ड्रोपलेट आपकी आसमान से गिर रही थी आपकी। बादल तो काले थे ही, लेकिन जो बरसात आ रही थी वो भी काली आ रही थी, और वो बरसात कैसी थी, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एसिडिक नहीं थी वो रेडियो एक्टिव रेन थी आपकी। यानी जब वो नीचे गिर रही थी, जब वो लोगों के ऊपर गिर रही थी, तो गाइस लोग जल जा रहे थे। जैसे किसी के ऊपर गिरेगी वो, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल गिर रही है, तो ये बच्चे ये जल जा रहे थे। क्लियर एवरीवन? तो व्हाइट लाइट एंड ब्लैक रेन है जो इसका परिणाम हुआ था। उसके बाद में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भाई ये बम गिराया क्यों गया, यानी इतना बड़ा डिजास्टर किया क्यों अमेरिका ने। तो ये इसलिए किया गया, हुआ क्या था कि अमेरिकन ने क्यों गिराया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था आपका, विश्व युद्ध चल रहा था आपका, जो कि आप सबको पता है कि 1939 से 1945 तक आपका ये चलता है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो जर्मनी थी उन्होंने मई 1945 को सरेंडर कर दिया। अब जापान था वो थोड़ा सा लड़ाकू देश है, हमेशा से वो वॉरियर्स रहे हैं, तो लेकिन इस बॉम्बार्डिंग के बाद उन्होंने कोई युद्ध के लिए अपने हथियार नहीं उठाए, मतलब उन्होंने युद्ध से हाथ जोड़ लिए थे, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो हुआ क्या कि 9 मई 45 को जर्मनी ने सरेंडर किया, तो यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट उस टाइम पे हुआ करते थे हैरी ट्रूमैन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, और सोवियत के लीडर थे जोसेफ स्टालिन। ये तीनों मिले जर्मन की एक सिटी में, पोट्सडैम में, और इन्होंने बोला कि भाई युद्ध के बाद में कैसे हम मैनेज करेंगे, युद्ध के बाद में क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं जो करने हैं गाइस। ठीक है, इनकी एक चिंता थी कि अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ था, और जापान था वो सरेंडर नहीं कर रहा था, जापान अपनी अकड़ में था, तो इन्होंने बोला कि जापान सरेंडर नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जापान की अकड़ निकालने के लिए, क्योंकि जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, ठीक है, अलाइज फोर्सेस के सामने, तो इन्होंने क्या किया, उस पर अटैक किया। अब देखो अलाइज और एक्सिस क्या थी, दो पावर्स थी, अलाइज एंड एक्सिस। ठीक है, एक तो मित्र राष्ट्र जिसको बोलते हैं हम, अलाइज को मित्र राष्ट्र और एक्सिस को दूरी राष्ट्र। ठीक है, अब ये जो जापान थे ये आपके आते थे एक्सिस पावर में, और यूएसए हो गया आपका, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, ये सब आते थे किसमें, अलाइज पावर में। तो ये जापान वाले अलाइज पावर के साथ में सरेंडर नहीं कर रहे थे, तो रिएक्शन क्या हुआ गाइस, जापान इस रिएक्शन से क्या हुआ कि उन्होंने जापान पे क्या कर दिया, न्यूक्लियर अटैक कर दिया, जापान के ऊपर क्या किया, न्यूक्लियर अटैक कर दिया। और ये न्यूक्लियर अटैक ही आपको 6 अगस्त और 9 अगस्त के रूप में दिखता है। लेकिन एक रोचक कहानी ये होती है गाइस कि 6 अगस्त के बाद में भी जापान है वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, उसने बोला कि हम आपसी शासक लड़ेंगे। ठीक है, मतलब उनको मरने की पूरा का पूरा प्लानिंग कर रखी थी उन्होंने, लेकिन हुआ क्या कि जब वो नहीं माने 6 अगस्त के वाले कांड के बाद में भी, तो फिर यूएस ने बोला कि एक बार ट्रेलर और देना पड़ेगा, फिर 9 अगस्त को नागासाकी पे ये क्या करते हैं, बमबार्डिंग करते हैं। 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त को फिर ये नागासाकी के बमबार्डिंग करते हैं। ठीक है, बाद में फिर 14 अगस्त को क्या किया जाता है, 14 अगस्त को फिर वहां के जो सम्राट होते हैं बेसिकली है हैरितो जो सम्राट होते हैं, उन्होंने अनकंडीशनली क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। उससे पहले ये क्या बोल रहे थे कि भाई ये सरेंडर तो कर देंगे, लेकिन हमारे देश को संप्रभुता रहनी चाहिए, हमारे ऊपर आप रूल नहीं करोगे। ठीक है, फिर 9 अगस्त को जब दोबारा से बम्बार्डिंग होती है, तो हैरितो बोलते हैं कि माई बाप माफ कर दीजिए, अब हम युद्ध विराम करते हैं और हम आपके सामने समर्पण करते हैं गाइस। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा माना जाता है
कि 14 अगस्त 1945 ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंड डेट मानी जाती है, एंड डेट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यहीं से युद्ध विराम है उसकी घोषणा हो जाती है जैसे ही जापान सरेंडर करता है 14 अगस्त 1945। तो ये छोटा सा सेशन था गाइस हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी गाइस। अगर पसंद आई तो एक बार आप सब लोग इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में एक बार आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एवरीवन। उसके बाद में गाइस आपका पेपर वन का प्लस कोर्स है जो कि 11 अगस्त से आपका शुरू होने वाला है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो सक्सेस बूस्टर कोर्स है गाइस ये हायर एजुकेशन का आएगा, यानी यूनिट 10 में स्टार्ट करने वाला हूँ। सारे कॉन्सेप्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। लास्ट 10 ईयर के पेपर्स मैं कवर करूंगा, फर्स्ट जो लास्ट ईयर का जो करंट अफेयर्स है उसको भी हम कवर करेंगे। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास में ऑफर है 6+2 एंड 12+2, यानी 6 मंथ का लेंगे तो 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा एंड 12 मंथ का लेंगे तो भी 2 मंथ का एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। और ये ऑफर 11 अगस्त तक वैलिड है। इसके अलावा गाइस आइकॉनिक या प्लस जो भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। प्लस की फीस है 24 महीने की 20,000, रेफरल कोड जैसे अप्लाई करेंगे तो आपकी फीस हो जाएगी 18,000, यानी इंस्टेंट आपको 10% यहाँ से डिस्काउंट है वो मिल जाएगा गाइस। आइकॉनिक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 24 मंथ 12 मंथ, रेफरल कोड अप्लाई कीजिए, इंस्टेंट 10% आपको डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा गाइस। उसके बाद में आप बेनिफिट्स देखिए प्लस एंड आइकॉनिक के। यहाँ से पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सेशन, SOPs एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सब आपको मिलता है प्लस एंड आइकॉनिक। उसके अलावा गाइस 4 अगस्त से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेशन में कोई इन अप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना कंसर्न्स बता सकते हैं। स्पेशल क्लासेस की बात करूं तो गाइस स्पेशल क्लासेस आपको डेली बेसिस पे लेनी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, पोल के फीचर्स हैं, रेज़ अ हैंड यानी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, नोट्स भी साथ में मिलेंगे और आप रिकॉर्डेड सेशन है वो भी देख सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस पेपर वन की 7:30 बजे होती है हिस्ट्री की, अनअकैडमी ऐप पे। लिंक आपको ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और पेपर वन की 4 बजे होगी 4 PM पे एंड पेपर टू की होगी वो 7:30 बजे, ठीक है। रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ये मेरा शेड्यूल है। अनलॉक कोड शिव10 है गाइस, इसको अप्लाई करके आप जितनी फ्री क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हैं। ये प्रोफाइल है, अगर फॉलो नहीं किया तो यहाँ से फॉलो कीजिए, लिंक ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे गाइस नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन।